अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नहीं एक वीडियो के साथ। और दोस्तों, जो मेरा जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मैं आपको वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस और मुख्तलिफ़ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उनके न्यूट्रन फैक्ट्स बताता हूँ, बेनिफिट्स बताता हूँ, तो साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने आपको जो है फिशेज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके बाद सी फूड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। और दोस्तों, आज भी मैं आपको फ़िश बेस्ड जो है एक प्रोडक्ट लेकर आया हूँ, तो आज मैं आपको फ़िश ऑयल के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, न्यूट्रन फैक्ट्स बताऊंगा, इनके बेनिफिट्स बताऊंगा, इनके साइड इफेक्ट्स भी बताऊंगा। चलिए दोस्तों, बगैर टाइम रह के ये फ़िश ऑयल के जो है न्यूट्रन फैक्ट्स, बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स शुरू करते हैं। और दोस्तों, फ़िश ऑयल के अंदर बेहतरीन किस्म के ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बेहतरीन होते हैं। और दोस्तों, हेरिंग, सार्डियन, सैल्मन, टूना, कॉड, कैटफिश, शार्क और वेल मछली के अंदर जो है हाई मकदार के अंदर ऑयल पाया जाता है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ भरपूर होता है। और दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है हेरिंग और सार्डियन के अंदर पाए जाते हैं, उसके बाद टूना के अंदर पाया जाता है। अगर अपनी आप खुराक के अंदर जो है टूना मछली को शामिल कर लें, हेरिंग को शामिल कर लें, सार्डियंस को शामिल कर लें, तो आपको हाई मकदार के अंदर जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेंगे। और दोस्तों, ऐसे लोग जिन्हें दिल का दौरा पड़ चुका है और उनके आर्टरीज ब्लॉक है, उनके जो है शरियानों के अंदर क्लॉग है, क्लॉट है, अगर अपनी खुराक के अंदर वो फिश ऑयल को शामिल कर लें तो उनका जितना भी कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो लेवल पर आ जाएगा, आर्टरीज ब्लॉक है तो वो ओपन हो जाएगी, दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों, जो लोग रेगुलर फ़िश ऑयल को इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें दिल की बीमारियां नहीं होती। और दोस्तों, दिल की बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए फ़िश ऑयल सबसे बेहतरीन है। और दोस्तों, ऐसे लोग जिन्हें एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहती है, यानी जहनी तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, दबाव रहता है, तो अगर अपनी खुराक के अंदर वो फ़िश ऑयल को शामिल कर लें तो उनकी जितनी भी है डिप्रेशन और एंजाइटी दूर हो जाएगी, नींद पर सुकून आएगी। इस वजह से डिप्रेशन के मरीज़ जो है अपनी खुराक के अंदर फ़िश ऑयल को लाजमी इस्तेमाल करें। और दोस्तों, फ़िश ऑयल जो है दिमागी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, कमज़ोर दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। और दोस्तों, फ़िश ऑयल के इस्तेमाल से बच्चों का जहन तेज़ होता है, ज़यीफ़ अफराद की जो है याददाश्त तेज़ होती है, तो इस वजह से जो है फ़िश ऑयल को बच्चों की खुराक के अंदर आपने लाजमी शामिल करना है, स्पेशली ऐसे बच्चों को जिन्हें सबक याद नहीं होता, जो कमज़ोर है। दोस्तों, रेगुलर जो है फ़िश ऑयल को अगर अपनी खुराक के अंदर आप शामिल करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपके कुव्वत मुदाफियत बढ़ जाएगी। और दोस्तों, आपके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के वायरसेज और बैक्टीरिया असर नहीं करेंगे। और दोस्तों, फ़िश ऑयल के अंदर विटामिन ए पाया जाता है जिसकी वजह से ये आंखों के लिए बहुत अच्छा है, आंखों को सेहतमंद बनाता है। और विटामिन ई भी इसके अंदर भरपूर मकदार में पाया जाता है जिसकी वजह से आपकी जिल्द जो है चमकदार हो जाती है, ग्लो करती है, शाइन करती है, स्पॉटलेस बनाता है, रिंकल लेस बनाता है, स्किन को ये खींच के रखता है। और दोस्तों, ऐसे लोग जो बाहर बहुत निकलते हैं, यानी बाहर के काम बहुत करते हैं, जो बाइक्स बहुत चलाते हैं, साइकिल बहुत चलाते हैं, या इवन पैदल चलते हैं या सफ़र करते हैं, और दोस्तों अगर वो फ़िश ऑयल के इस्तेमाल करेंगे तो उनके ऊपर जो बाहर की जो पोल्यूशन है, जो डस्ट पोल्यूशन है, उनके ऊपर वो असर नहीं करेगी। और दोस्तों, पोल्यूशन के बैड असरात को ये बचाता है। और दोस्तों, फ़िश ऑयल के अंदर कैलोरीज कम होती हैं, ऐसे लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन है, मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है, खाने को जल्दी से हज़म करता है। और दोस्तों, जो फालतू चर्बी उसे ख़त्म करता है। और दोस्तों, HIV एड्स मरीजों के लिए भी ये बेहतरीन है। दोस्तों, जिस्म में से हर किस्म की सोजिश को ख़त्म करता है, मुख्तलिफ किस्म के कैंसर्स अगर आपके जिस्म में बने उसे ख़त्म करता है, कोई जिस्म के अंदर किसी भी हिस्से में सोजिश है उसे ख़त्म करता है। और दोस्तों, ऐसे लोग जिनका कद छोटा है अगर अपनी खुराक के अंदर फ़िश ऑयल को शामिल करें तो उनकी हाइट में भी इंक्रीज करता है। और दोस्तों, ऐसे अफराद के लिए भी बहुत अच्छा है जो गंजापन का शिकार है, जिनके बाल गिरते हैं, कमज़ोर बाल हैं। और दोस्तों, अगर आप इसे अपनी खुराक के अंदर शामिल करेंगे तो आपके बाल घने, चमकदार, मजबूत हो जाएंगे, गंजापन ख़त्म हो जाएगा, विटामिन एच से भरपूर ये गज़ा है। और दोस्तों, ब्लड प्रेशर को काम रखता है, मोतज़ी रखता है। और दोस्तों, अगर आप इसे जिस्म के ऊपर अप्लाई करके बाहर निकलेंगे तो नेचुरल जो है सनस्क्रीन का काम करता है। और दोस्तों, सूरज की जो ख़तरनाक शुआएँ आपकी जिल्द के ऊपर असर नहीं करती। और दोस्तों, मेल हजरात के लिए भी बेहतरीन है, ऐसे मर्द हजरात जो जिनसी तौर पर कमज़ोर हैं अगर अपनी खुराक के अंदर फ़िश ऑयल को शामिल कर लें डेली रूटीन में, तो कुछ अर्सा बाद ही जो उनकी मनी में इजाफा हो जाएगा, मनी गाढ़ी हो जाएगी, हाई मकदार में बनेगी, उसके अंदर जो बच्चे पैदा करने वाले जरासीम हैं वो तेज़ हो जाएंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड की सेहत के लिए भी बेहतरीन है, इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होती, इम्पोटेंस नहीं होती। और दोस्तों, मुबाशरत के दौरान आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। और दोस्तों, उज़्वे तनासल के ढीलापन के लिए बेहतरीन है, उज़्वे तनासल के साइज़ में भी इजाफा करता है, मोटाई में भी इजाफा करता है, खसी की साइज़ में भी इजाफा करता है, यानी फोतों के साइज़ में भी इजाफा करता है। और दोस्तों, जिन्हें कबूरे भी बोला जाता है, तो दोस्तों हर लिहाज से जो फ़िश ऑयल जो है मर्दों के लिए बेहतरीन है, क्योंकि हाईली इसके अंदर आयोडीन पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। और दोस्तों, जो मर्दों की जिंसी कमज़ोरी के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों, अल्लाह ताला की तरफ से मर्दों के लिए जिंसी सेहत के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों, अल्लाह ताला ने ये स्पेशल तोहफ़ा उतारा है
मर्द हजरात के लिए जो जिनसी तौर पर कमज़ोर हैं। और दोस्तों, आपके जिस्म के अंदर किसी भी जगह में दर्द हो रही है, उजलात में दर्द है, जोड़ों में दर्द है या हड्डियों की कोई दर्द है, अपनी खुराक के अंदर फिश ऑयल को शामिल कर लें तो आपको हर किस्म की ये दर्द से निजात देता है, स्पेशली जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों, अगर आप फिश ऑयल को मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करें तो आपकी किडनी की जो इन्फेक्शन को दूर करता है, किडनी को सेहतमंद करता है। और दोस्तों, हामला खवातीन के लिए भी बहुत अच्छा है, हामला खवातीन भी अपनी खुराक के अंदर फिश ऑयल को शामिल करें तो बच्चा सेहतमंद पैदा होता है, डिलीवरी के टाइम इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता। और दोस्तों, हामला औरतों के बच्चे के पैदाइश के बाद दूध में इजाफा करते हैं। चले दोस्तों, ये तो थे फिश ऑयल के न्यूट्रिएंट फैक्ट्स और बेनिफिट्स, अब आते हैं कुछ इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। और दोस्तों, फिश ऑयल जो है इंसानी तबीयत के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इस वजह से आपने इसे मुनासिब एक मकदार में इस्तेमाल करना है। मार्केट में आपको ये कैप्सूल फॉर्म में मिल जाते हैं, तो आपने दोस्तों आपने अपने कंसल्टेंट या डॉक्टर या हकीम वगैरह से पूछे बगैर आपने इसे नहीं लेना। जो इसकी रेगुलर खुराक है, आप 2 से 3 कैप्सूल खा सकते हैं, इसे ज़्यादा ना खाइएगा। अगर इसे ज़्यादा खाएंगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है फिश ऑयल को ज़्यादा यूज़ करने से आपका। और दोस्तों, फिश ऑयल को ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको ब्लीडिंग हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है। और दोस्तों, अगर आप विटामिन ए के हवाले से कोई गज़ा ले रहे हैं, अगर साथ आप फिश ऑयल यूज़ करेंगे तो आपको जहरीले असरात हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर हाई भी हो जाता है। और दोस्तों, ऐसे लोग जिन्हें स्लीपलेसनेस ऑर्डर है, यानी जिन्हें नींद नहीं आती, अगर वो फिश ऑयल को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उनकी नींद उड़ सकती है, उनकी नींद ना आने की जो बीमारी है डबल ट्रिपल हो सकती है। तो इस वजह से वो अफराद भी इसे मॉडरेट यूज़ करें, कम इस्तेमाल करें। चले दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये फ़िश ऑयल के जो न्यूट्रन फैक्ट्स, बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स पसंद आए होंगे। अगर मज़ीद आपका कोई सवाल है फ़िश ऑयल के हवाले से तो आप कमेंट के अंदर मुझे क्यूरी कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका ज़रूर अप्लाई करूँगा। और दोस्तों, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, आपने उसे भी सब्सक्राइब करना है ताकि दोस्तों आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।